बैंक से संबंधित कोई काम करना है तो कर ले। शनिवार 22 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर हड़ताल रहेगी। सिर्फ 24 दिसंबर को एक दिन के बीच में बैंक खुले रहेंगे। ऐसे में आपको अपने बैंक से संबंधित काम काज निपटाने हो तो निपटा ले। बैंकों के विलय के विरोध में बैंक कर्मी एक दिन के राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जा रहे हैं। बैंक कर्मी की यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल एक दिन की है, लेकिन इससे बड़ा कारोबार प्रभावित होगा, साथ ही आमजन व खास को भी परेशानी होगी। राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के महासचिव वरिष्ठ बैंक कर्मी नेता महेश मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बैंकों की अर्थव्यवस्था जो खराब हुई है, दो बैंकों को छोड़कर सारे बैंक घाटे में चले गए हैं। अब उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, जिसके चलते बैंकों का विलय किया जा रहा है। 80,000 करोड़ रुपए बकाया है। मिश्रा ने बताया है कि बैंकों के विलय के अलावा और अन्य शाखा खोली जाए। देश गांव में बसता है, आज भी कई ब्रांचों की आवश्यकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 5 बैंकों का विलय किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद 1,25,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार की जो रीति नीति है ना, वो तो जनहितैषी है। सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए सरकार इतना विलय कर रही है। मिश्रा ने बताया है कि एक दिवसीय हड़ताल में सफाई कर्मचारी से लेकर सहायक महाप्रबंधक तक शामिल है। ऐसे में एक दिवसीय हड़ताल में काफी कामकाज प्रभावित होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, विजय बैंक और देना बैंक, अब इन तीनों बैंक में से दो बैंकों की स्थिति ठीक नहीं है। विजय बैंक लाभ में है, तो भी अगर इनको मिला दिया जाए तो भी 80,000 करोड़ रुपया इन तीनों का बकाया है, डूबत खाते हैं। तो समझ में नहीं आता भारत सरकार किस तरीके से, क्या ये चाहती है कि ये तीनों मिलाकर के लाभ में आ जाएंगे, वो कभी संभव नहीं है। बैंकों का विलय की बजाय अगर बैंकों की शाखाएं और खोली जाए, आज ये देश गांव में बसता है, आज भी बहुत सी ब्रांचों की आवश्यकता है। गांव के लोगों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए, उनको लोन मुहैया कराने के लिए, स्वरोजगार बनाने के लिए, लेकिन सरकार आज उनका विलय कर रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो 5 बैंक विलय किए, आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद 1,25,000 करोड़ रुपया माइनस में है, लॉस में है। तो ऐसी स्थिति में आज सरकार की ये जो रीति नीति है, ये न जनता के फेवर में है, जनहितैषी है, न कर्मचारी भी हितैषी हैं, केवल अपनी वो करने के लिए, महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए आज सरकार इनका विलय कर रही है। 30 अभी जो नवंबर को जो हमारी यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस की मीटिंग हुई, जिसमें वेतन समझौता भी हमारा अभी बकाया चल रहा है, और उसमें ये मीटिंग में निर्णय लिया गया कि 26 तारीख की एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी मर्जर के विरोध में। कितने प्रभावित होंगे इसमें? सारे बैंक, क्योंकि इसमें सारे बैंक हैं, इसलिए पूरा कारोबार प्रभावित हो जाएगा। पहले तो क्या था कि क्लियरिंग हाउस लगता था, तो हम कह सकते थे इतने चेक रुक जाएंगे, लेकिन अब एक दिन का कारोबार जब हम अंदाज से लगाया करते थे 10,000 करोड़ रुपये एक दिन का प्रभावित होगा, तो उस तरीके से आज एक दिन के लिए, चूंकि सारे बैंक हैं और सफाई कर्मचारी से लेकर सहायक महाप्रबंधक इसमें शामिल है और सबके सब तबका इसमें शामिल है। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।